नीतीश कुमार के सुशासन की तस्वीर जब निकल कर सामने आती है तो आप हैरान हो जाइएगा। सोचिए कि बिहार सरकार का मंत्री अगर यह कहता हो कि सरकार में किसी भी टेबल पर काम कराने अगर कोई व्यक्ति जाता है तो बिना नजराना दिए, बिना वो नजराने का बात ही नहीं कर सकता है, उसकी ना बात सुनी जाएगी ना उसकी फरियाद लिखी जाएगी। सुन के थोड़ा सा आश्चर्य लगता है, बड़ी आसान भाषा में किसी ने कहा कि नजराना यानी कि नछावर, नछावर यानी कि टेबल के नीचे से लेने वाला अवैध पैसा यानी घूस। तो इस घूस के कांड में अब नया खुलासा नीतीश कुमार को परेशान कर सकता है। अब बताइए, नीतीश कुमार के कैबिनेट के मंत्री अगर वो कहते हो कि मुझे यह बात कहने में कोई संकोच नहीं है कि बिहार में अफसर बिना पैसे लिए कोई काम नहीं करते हैं, बीजेपी कोटे के यह मंत्री हैं और इनका बयान हम इसलिए कह रहे हैं कि ठीक आज से 2 साल पहले इसी तरीके का एक बयान सामने आया था 2022 के अगस्त महीने में, अगस्त लास्ट का वो महीना था। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हुआ करते थे सुधाकर सिंह, जब बिहार में नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़ा तो महागठबंधन के साथ सरकार बनाया तो सुधाकर सिंह को लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कैबिनेट में मंत्री बना दिया। और सुधाकर सिंह जब मंत्री बने तो उन्होंने कहा कि विभाग के अंतर जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो पैसे लेकर काम करते हैं। बवाल मच गया था, नीतीश कुमार के पैरों तले जमीन खिसकी तो उनका माथा एकदम पूरा भनभना गया था। गुस्से में लाल पीला होकर कैबिनेट की बैठक में सुधाकर ने हिसाब किताब नीतीश कुमार ने कर लिया था। आलम यह रहा कि कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद सुधाकर को मंत्रिमंडल से निकाला गया, बाद में वो सरकार से ही राष्ट्रीय जनता दल को अलग कर दिया गया। और अब बीजेपी के नेता कमोबेश वही बातें दोहरा रहे हैं जो नीतीश कुमार को कतई बर्दाश्त नहीं हो सकती है। नीतीश ऐसी बातें कभी सुन ही नहीं सकते हैं। वही बातें बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल कह रहे हैं। अखबार में यह खबर छपी हुई है, उनके बयानों का जिक्र किया गया है और इसमें कहा गया है कि अंचल स्तर पर भ्रष्टाचार से विभाग की बदनामी हो रही है। यह जायसवाल मान रहे हैं, राजस्व भूमि सुधार विभाग की जिम्मेवारी इनके कंधों पर है। बेहद महत्वपूर्ण विभाग है और सबसे ज्यादा इस विभाग में गरीबों की जरूरत होती है। गरीब पहुंचते हैं रोज अपनी फरियाद लेकर सीओ साहब के यहाँ, बीडीओ साहब के यहाँ, हर दफ्तर में, कभी कर्मचारी के यहाँ रसीद कटाने के लिए, जमीन की नापी कराने के लिए, हर जगह। मतलब जो गरीब कमजोर बेसहारा जो है उनका रोज आमना सामना होता है ऐसे अधिकारियों से, और उनकी फरियादें अगर मंत्री जी की बात माने तो इसके बदौलत होता है, भ्रष्टाचार के बदौलत होता है। और इस भ्रष्टाचार से मंत्री जी का मानना है कि विभाग की बदनामी होती है, और विभाग नीतीश कुमार की बदनामी होती है, सुशासन की सरकार है। तो इसमें इन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि अपर समर्थता से भ्रष्टाचार रोकने की मंत्री ने अपील की है। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि किसी नौकर साह से सरकार अपील करे कि भाई साहब आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं, आप अपने अधिकारियों को कहिए कि घूस नहीं ले, भ्रष्टाचार कम करें, दफ्तर में इस तरीके के काम नहीं करें जिससे कि बदनामी होती है। यही बात सुधाकर ने कहा था, यही बात जब राष्ट्रीय जनता दल कोटे के विधायक उठा रहे थे तो नीतीश कुमार उनसे रिश्ता तोड़ लिए थे, और अब वही बात बीजेपी कोटे के नेता फिर कहने लगे हैं। बीजेपी के हिस्से से नीतीश कैबिनेट में मंत्री बने दिलीप जायसवाल का यह बयान, और यह बयान बता रहा है कि बिहार में नई जो सियासत है वो खेली जाएगी, उसकी पटकथा लिखी जा रही है। अब दिलीप जायसवाल ने यह बातें कही तो अखबार की हेडलाइन बन गई, पहले पन्ने पर वो खबर छप गई, तो राष्ट्रीय जनता दल इस पूरे मामले पर चुप क्यों रहेगा। राजद ने भी नीतीश कुमार को आईना दिखाते हुए पूछा है कि जब हम आरोप लगाते थे तो आप कहते थे कि हम विपक्ष में चले गए इसलिए ऐसी बात करते हैं, और जब हम पहले कहते थे तो आप कहते थे कि सत्ता में है तो भ्रष्टाचार यही लोग करते हैं, लेकिन अब तो आपके लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, अधिकारी आपके हैं, और पहले भी जब हम सरकार में थे तो यही बात कह रहे थे
कि अधिकारी जो है वो इस तरीके के खेल कर रहे हैं, जो अधिकारी हैं वो पैसे लेते हैं, लेकिन वो बात ना कोई सुनने के लिए तैयार था और ना आप मानने के लिए। फिर ऐसा कैसे हो गया? अब शक्ति यादव ने तो कह दिया कि भाई साहब यह मामला पहले से था, और इसी चक्कर में आप राजद वालों को बदनाम करते रहे। यानी अफसर, अफसरशाही, नौकरशाह किसी भी सिस्टम के अंदर नीतीश कुमार के सुशासन पर भारी है। सवाल शुरू हो गया है। अब देखना है कि नीतीश कुमार अब बीजेपी कोटे के मंत्री दिलीप जायसवाल के बयानों पर अधिकारियों पर एक्शन लेते हैं या फिर मंत्री जी पर एक्शन लेते हैं। अंजाम इसका जो भी होगा, बिहार की सियासत और सत्ता के लिए वो काफी नुकसानदेह हो सकता है। नीतीश कुमार अपनी सेहत यानी कि अपने अफसर पर कभी सवाल उठने नहीं देते हैं। कई उसके जो है नमूने आपको देखेंगे, जैसे के पाठक, नीतीश कुमार की कितनी इतनी फजीहत कराए, इतनी किरकिरी कराए, लेकिन उनके ऊपर नीतीश सीधे एक्शन नहीं कर पाए। तबादला हुआ, विभाग बदले गए, छुट्टी दिया गया, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। तो अब राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री के आरोपों पर क्या सुनवाई और कार्रवाई होगी, देखना होगा। फिलहाल मंत्री जी खुद सरेंडर कर गए हैं। इनको लगता है कि अगर हम सरकार के खिलाफ यानी नीतीश कुमार के अफसरों के खिलाफ बोलेंगे तो शायद मंत्रिमंडल पर संकट, मंत्री बने रहना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा इन्होंने कहा है कि अधिकारियों से कि अपील कर रहे हैं, कृपया करके ऐसे अधिकारियों पर नकेल कसे, वरना अंजाम मेरे लिए और सरकार के लिए बुरा होगा। खैर, ये तो मंत्री जी के बयान जिस पर बवाल मचा। और सुनिए राष्ट्रीय जनता दल के नेता आप क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार में भ्रष्टाचार है, बिन पैसे के कोई काम नहीं होते। ये बात हम कहते थे तो मिर्ची लगती थी नीचे से ऊपर तक। अब दिलीप जायसवाल जो सरकार के मंत्री हैं, ना दिखा दिया ना कि बिन पैसे के कोई काम बिहार में नहीं होते। संस्थागत भ्रष्टाचार के रास्ते बिहार गुजर रहा है। विश्वितामा चुपचाप है ना, माइंडलेस गवर्नमेंट है बिहार में। सुधाकर जी महागठबंधन में थे मंत्री कृषि के, भ्रष्टाचार पर सवाल खड़ा किया था तो पूरी इर्द गिर्द रहने वाले लोग मानो बेचैनी की गोली खा लिया था। अब तो बकार नहीं निकलता है। एक बकार निकलेगा क्या? बिहार में संस्थागत भ्रष्टाचार था, है। एक व्यक्ति जो संस्थागत भ्रष्टाचार का पोषक है, इस बात से कोई नकार नहीं सकता। कोई कुछ बना दो, पूर्णिया के जमींदार को ला कर करके चाहे आप पार्टी में उच्च पदों पर डाल दो, लेकिन संस्थागत भ्रष्टाचार को तो रोक नहीं पाते हो, क्योंकि संस्थागत भ्रष्टाचार सरकार का पहला एजेंडा है बिहार में। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।